किसान भाइयों नमस्कार, मैं फिन सिंह आप सभी भाइयों का आपके अपने चैनल इंडियन फार्मिंग ज्ञान में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि आलू की फसल में दूसरा स्प्रे टॉनिक फंगिसाइड कीटनाशक आदि का पहला स्प्रे करने के कितने दिन बाद करना है और क्या स्प्रे करना है। आलू में पहला स्प्रे में हमने बताया था कि आलू की फसल जैसे ही 30 से 40 दिन की हो जाए तो उस समय हमें पहला स्प्रे कर देना है। पहला स्प्रे में कौन सा टॉनिक खाद फंगिसाइड और कीटनाशक देना है, पूरी जानकारी इसके पहले वाले वीडियो में दिया हूँ। उस वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है और वह वीडियो इंड स्क्रीन पर भी इस वीडियो के लास्ट में शो करेगा, जिसे क्लिक करके देख सकते हैं और बढ़िया लाभ उठा सकते हैं। अब आज की जानकारी होगी कि आलू की फसल में दूसरा स्प्रे कब और किस चीज़ की करनी है, पूरी जानकारी देंगे, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर वीडियो को लाइक जरूर कर दें। किसान भाइयों, आलू की फसल में दूसरा स्प्रे पहला स्प्रे करने के 15 दिन बाद करना है, यानी जब फसल 50 से 60 दिन की हो जाए तो उस समय हमें फसल में टॉनिक आदि का स्प्रे करना है। टॉनिक के रूप में हम ले सकते हैं बायोबीटा या सागरिका या ह्यूमिक एसिड 250 ml प्रति एकड़ की दर से। फंगिसाइड के रूप में हम ले सकते हैं टेबुकोनाजोल 10% प्लस सल्फर 65% WG 300 ग्राम प्रति एकड़ की दर से, और कीटनाशक के रूप में हम थायामेथॉक्साम 25% WDG 100 ग्राम प्रति एकड़ की दर से शामिल कर सकते हैं। इन तीनों को 200 लीटर पानी में मिलाकर खूब अच्छी तरह से स्प्रे कर दें, इसका आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। ठंड और पाले से भी फसल बची रहेगी, फसल को सल्फर तत्व भी मिल जाएगा, फसल में रस चूसक कीटों का भी हमला नहीं होगा। टॉनिक बायोबीटा या ह्यूमिक एसिड की वजह से फसल हरी होगी, पौधा अधिक भोजन का निर्माण करेगा जिससे आलू के कंद बढ़ने लगेंगे, जिसका सीधा असर आलू की पैदावारी पर पड़ेगा, यानी आलू की पैदावारी बढ़ेगी। किसान भाइयों, इस तरह आलू की फसल में टॉनिक फंगिसाइड कीटनाशक आदि का स्प्रे करके फसल को एक नई ऊंचाई दे सकते हैं। किसान भाइयों, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।